आज के लेक्चर में हम लोग मैप डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। और ये जो मैप डेटा स्ट्रक्चर है ये बड़ा ही यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर है कॉम्पिटेटिव कोडिंग के लिए, जिसमें हम डेटा को की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कहा एक की वैल्यू एंड फॉलोड बाई द डेटा वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक स्टूडेंट रिकॉर्ड को रखना है तो हम कह सकते हैं कि द फर्स्ट पार्ट इज द रोल नंबर एंड द डेटा पार्ट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो मैप डेटा स्ट्रक्चर में हमेशा डेटा की और डेटा वैल्यू के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करेंगे। इस डेटा स्ट्रक्चर को आप पाइथन में डिक्शनरी से भी रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे सिमिलर अरेंजमेंट होता है। तो आइए हम मैप डेटा स्ट्रक्चर सीखते हैं कोडिंग के थ्रू। सबसे पहले आपको एक मैप नाम का हेडर फाइल इंक्लूड कराना होगा। देन इसके बाद हम कैसे डिक्लेयर करने वाले हैं इसको, मैप लिखते हैं फॉलोड बाई द फर्स्ट पार्ट इज द की वैल्यू एंड द नेक्स्ट पार्ट इज लेट्स से द डेटा वैल्यू। और हम मान लेते हैं कि जो पहला पार्ट है वो इंटीजर है और दूसरा पार्ट आपका स्ट्रिंग है। जरूरी नहीं कि दूसरा पार्ट आप स्ट्रिंग ही लें, दूसरा पार्ट आप इंटीजर भी ले सकते हैं, कैरेक्टर फ्लोट डबल जैसा आप चाहें वैसा ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने एम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। मान लीजिए कि अगर आपको डेटा वैल्यू रखना है 1 और लेट्स से आपको या की वैल्यू 1 रखना है और डेटा वैल्यू आदेश रखना है लेट्स से, तो हमने ऐसे कर दिया। सिमिलरली हम मान लेते हैं 4-5 डेटा हम इसमें एंट्री करा लेते हैं। लेट्स से हमने कहा M3 खिलेश एंड देन लेट्स से हमने कहा M6 अवनीश, देन हमने कहा M14 मनीष एंड लेट्स से M2 इज सुकेश। एक और डेटा वैल्यू लेते हैं हम लेट्स से M4 इज भास्कर। तो अब मान लीजिए कि हमें इसके डेटा आइटम्स को हमें डिस्प्ले कराना है, तो इसमें दो दो तरह के डेटा आइटम है, एक की वैल्यू है एक डेटा है। सबसे पहले हम लोग की डिस्प्ले कराते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग डेटा वैल्यू डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर ऑटो आई इन एम, इसमें दो पार्ट है। तो की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हम फर्स्ट लिखेंगे और डेटा वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हम सेकेंड लिखेंगे। तो हमने लिखा सी आउट, सबसे पहले हम फर्स्ट लिखने वाले हैं, सो आई डॉट फर्स्ट एंड देन सेकेंड वाले पार्ट को लिखने के लिए हम लिखेंगे आई डॉट सेकेंड। इन दोनों के बीच में आप एक स्पेस लगा दीजिए जिससे कि आप इसको सेग्रीगेट कर पाए। रन करके देखते हैं कि क्या ये डेटा वैल्यूज डिस्प्ले कर पा रहा। तो यू कैन चेक कि यहाँ पे 1 आदेश, 2 सुकेश, 3 अखिलेश, 4 भास्कर, 6 अवनीश और 14 मनीष डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक डेटा आइटम के डिस्प्ले होने के बाद एक न्यू लाइन डिस्प्ले हो तो आप एंडल लगा सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसने डेटा आइटम डिस्प्ले किया। तो सबसे पहले की है देन डेटा वैल्यू। एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है वो असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ की के हिसाब से हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने मैप क्रिएट किया है ये ऑर्डर्ड मैप, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। और इसके बाद छोटे छोटे और फंक्शंस देखते हैं, या फिर हम एक चीज और देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने डेटा आइटम को इंसर्ट कराने का तरीका ऐसा लिखा है कि एम इन स्क्वायर ब्रैकेट 4, एक और तरीका है जिससे कि हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। हम जैसा लिख सकते हैं एम डॉट इंसर्ट फंक्शन एंड देन उसके बाद पहले की वैल्यू लिख दीजिए। लेट्स से हमने लिखा 11 इज द की वैल्यू एंड चेतन इज द नेम। नाउ आप अगर आप डिस्प्ले कराएंगे, सेम कॉलम मिसिंग है इसको लगा लेते हैं। तो एक बड़ा ही छोटा सा एरर था कि हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं इसको डिस्प्ले करा था। तो यू कैन सी कि ये वाला जो डेटा है वो भी एक्सेप्ट हो गया और 11 इंसर्ट हो गया है।
सिक्स के बाद और 14 के पहले। नाउ इसके बाद बहुत छोटे छोटे और फंक्शन, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई एक डेटा आइटम डिलीट करना है, तो आप ऐसे लिखेंगे एम डॉट इरेज एंड देन फॉलोड बाई द की वैल्यू। सो लेट्स से आपको 14 या 6 नंबर की वैल्यू डिलीट करनी है। तो अब आपने सबसे पहले डिस्प्ले कराया है डिलीशन से पहले, और अब हम डिलीशन के बाद भी डिस्प्ले करके देख लेते हैं किस तरह से डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं आफ्टर डिलीशन। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो डिलीशन के पहले डेटा था 1 2 3 4 6 11 14 फॉलोड बाय दी डेटा वैल्यू, एंड देन डिलीशन के बाद थोड़ा सा गलती है यहाँ पे, हम एंड में लगाना भूल गए, सो 6 यहाँ मिसिंग है, बाकी सारा डेटा आइटम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आइए मैं एंडल भी लगा लेते हैं। यू कैन सी दैट आफ्टर द डिलीशन 6 इज मिसिंग। नाउ अगर आप किसी की वैल्यू को इसमें सर्च करना चाहते हैं, तो लेट्स से हमने काउंट फंक्शन लगाया है और की वैल्यू लेट्स से हम 14 को सर्च करते हैं। तो आपको पता है कि जो 14 है वो प्रेजेंट है इसमें, इसलिए यहाँ पे ये दिखाएगा कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट को 1 से डिनोट किया जाएगा। तो रन करके देखते हैं, तो यस यू कैन सी दैट द आंसर 1 इज कमिंग। नाउ अगर आप एक ऐसे डेटा आइटम को सर्च करें इसमें जो प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमने 6 को डिलीट कर दिया है, और 6 को डिलीट करने के बाद अगर आप 6 को प्रिंट करेंगे तो शायद 0 आना चाहिए। लेट मी बेटर चेक नाउ, यस 6 इज नॉट प्रेजेंट, इट्स कमिंग एज 0। सो मैप डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, आप भी कुछ कुछ छोटे छोटे फंक्शन इसमें फाइंड करते रहिएगा। चलिए अब एक काम छोटा सा और करते हैं कि इसमें साइज प्रिंट करके देखते हैं। साइजेस दिस वन, और एक एंड एल जरूर लगा दीजिए जिससे कि न्यू लाइन में डिस्प्ले हो। आप चेक कर सकते हैं कि साइज 6 है, क्योंकि इसमें 6 डेटा आइटम है, 1 2 3 4 11 एंड 14। छोटे छोटे और फंक्शंस आप फाइंड जरूर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए मैप डेटा। थैंक यू।